अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज हम बात करेंगे गर्म पानी पीने के फ़वाद। गर्म पानी पीना सेहत के लिए किस तरह मुफीद हो सकता है, इसके बारे में अगर चीज साइंसी तौर पर बहुत तहकीकात मौजूद नहीं है, मगर सदियों से गर्म पानी को ठंडे पानी के मुकाबले में मुफीद करार दिया गया है और इस दावा में तहकीक से ज़्यादा ज़ाती तजुर्बात का दखल है, जिसके सबब मोटे लोग स्मार्ट बंद नाक और नज़ला ज़ुकाम से नजात और दीगर बहुत सारे फ़वाद हासिल होते हैं। आमतौर पर माहरीन के मुताबिक गर्म पानी से कतई मुराद खोलता हुआ पानी पीना नहीं होता, बल्कि इससे मुराद ये होती है कि पानी का दर्जा हरारत 54 से 71 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होना चाहिए। इससे ज़्यादा गर्म पानी मुँह में छाले बनाने का सबब बन सकता है। नीम गर्म पानी पीते हुए इसमें अगर विटामिन सी के लिए अगर थोड़ा लेमू शामिल कर दें तो इससे न सिर्फ वज़न कम होगा बल्कि हाजमा भी दुरुस्त होगा। गर्म पानी पीने से हाजमे का अमल रवा हो जाता है। जैसे जैसे ये पानी मैदे और आंतों तक जाता है तो इसके साथ साथ फाजिल और जहरीले मादे भी खारिज होते जाते हैं, जिससे हाजमा बेहतर होता है। गर्म पानी के अंदर यह खासियत मौजूद होती है कि वह अपने अंदर चीज़ों को जल्द नरम कर देता है। इस वजह से गर्म पानी पीने की सूरत में ग़िज़ा नरम हो जाती है, जिसकी वजह से हाजमी नाली में इसका एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मुंतकली का अमल तेज़ रफ्तारी और आसानी से हो सकता है, जिसकी वजह से हाजमे का अमल बेहतर होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।